पाकविलस, मैं सुलेमान आसिम और आज एक इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मोहसिन भाई फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दुबई दुबई एक ब्लॉग लेके आए हैं कार ऑक्शन का। बेसिकली ये अमेरिकन इम्पोर्टेड कार्स हैं, तो ये एक्सीडेंट होके आई हैं, सैल्वेज कार्स हैं बेसिकली, और ये काफ़ी चीप प्राइस पे मिल जाती हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका बिजनेस करना है या खुद लेके परचेज करनी है, अपने मतलब ड्राइव करने के लिए रखनी है, स्पेयर पार्ट के लिए यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पे हर टाइप की गाड़ी है भाई। अभी पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। इस तरह ये हुंडई की गाड़ी होगी, टोयोटा हो गई, उसके बाद ये अकॉर्ड हो गई, निसान हो गई, मस्टैंग हो गई, मतलब छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ, हर लेवल की गाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी और चीप प्राइस पे मिलेगी। और इसके ऊपर जो है ये स्टार्टिंग बिड लगी हुई है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2017 मॉडल की ये गाड़ी है, अकॉर्ड है, 20,000 में इसकी स्टार्टिंग बिड है। अब इसका सीन ये होता है कि इसकी बिड जो है ना, अगर कस्टमर्स इसके ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी बिड ऊपर भी जाती है, और बिडिंग जो है वो यहाँ पे लाइव होती है, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसमें कुछ गाड़ियों की गारंटी होती है कि इंजन चेसिस की गारंटी है, और आपने परचेज कैसे करनी है गाड़ियाँ, इसकी थोड़ी सी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जिस तरह ये होंडा अकॉर्ड है, इसका हम लोगों ने चेक किया कि बैक साइड से कोई डैमेज नहीं है। इसका सिर्फ डैमेज क्या है, ये साइड दो दरवाजे हैं बस। अब ये दो दरवाजे हैं। अब दरवाजों का सीन ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेयर पार्ट की मार्केट है, आप जाके इजीली ले सकते हैं, काफ़ी चीप प्राइस पे वहाँ से वो डोर्स वगैरह मिल जाते हैं। फ्रंट से देखें सर, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, करोड़ों की गाड़ी है। इंटीरियर से देखें, कोई भी एयरबैग वगैरह नहीं खुले हुए, साइड वाले एयरबैग्स हैं, जो कि एयरबैग्स ऑलमोस्ट कॉस्ट करेंगे इसके 500 दिरहम के करीब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट का आइडिया है। और डोर्स जो हैं इसके वो भी देखने पड़ेंगे, शायद वो 2,000-3,000-1,200 दिरहम का शायद एक हो, तो दो डोर 1,200, वही आपकी वाली बात होगी, 1,200 से 2-3,000 दिरहम के मिल जाएंगे, 2-3,000 दिरहम के मिल जाएंगे। और ये गाड़ी इजीली रिपेयर करके आप लोग रजिस्टर करके ड्राइव कर सकते हो, इवन कि आपने डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करनी है तब भी कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हो। परचेजिंग के लिए जो है ना लाइव बिडिंग होगी, अगर आप लोग इसकी बिड विन करते हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देनी होगी अपफ्रंट उसी टाइम पे, और उसके बाद आपको बाकी कैश दे के आप लोग इसको ले सकते हो, और पेपर वर्क भी इससे कंप्लीट होता है। आपको पता है टैक्स कितना है इसका? नहीं, मुझे नहीं आईडिया। सिर्फ 5%। अच्छा, सिर्फ 5% आपको टैक्स देना है, और ये गाड़ी आपकी, यानी कि अगर आप 30,000 में ले रहे हैं उस पर 5% टैक्स देंगे, कितना बनेगा? मेरे ख्याल से 1,000 दिरहम के करीब, 1,500 तकरीबन, हाँ इतना तकरीबन बनेगा, और ये गाड़ी जो आपकी हो जाएगी। आप ड्राइव करो, रीसेल करो, जो मर्जी करो। क्या बात है, हम देख लेते हैं कौन कौन से। देखे ना, जर्मन गाड़ी मर्सिडीज हमारे सामने खड़ी है सर, मर्सिडीज 14,500 दिरहम में सर, लग्जरी चेक करो आप इस गाड़ी की, ठीक है, फील देखो आप इसकी। स्टार्टिंग बिट 14,500 दिरहम की है, 20,000 तक मेरे ख्याल से जाएगी ये गाड़ी, ठीक है। जिस तरह ये 2020 का मॉडल है, ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जीप है, ठीक है, 2020 19,500 दिरहम की है। जो न्यू बायर्स है ना, कि इसका आप लोगों को चेसिस का ख्याल होना चाहिए, कि चेसिस अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो फिर रजिस्टर नहीं होती गाड़ी, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सही है, चेसिस का ख्याल रखना आपने, मेन वो चीज़ है। बाकी हर चीज़ यहाँ पे स्पेयर पार्ट भी मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है। क्या चेक करें जरा, F-150 इसका डैमेज क्या है? यूजली बड़ी गाड़ी में ना नीचे से डैमेज, ये साइड है, पूरी साइड स्टिल इसका, ये फेंडर, फेंडर दो दरवाजे, एयरबैग ये भी खुला हुआ है, एयरबैग वो भी खुला है, लेकिन इनके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है, सेकंड वो चीप प्राइस पे मिलते हैं। ये भी F-150 खड़ा है, इसको देख लें, ये भी 18,500 की स्टार्टिंग बेड है। हां, ये 2016 का मॉडल है, पीछे से नहीं, साइड पूरी है, एयरबैग नहीं, ये एक अच्छी डील है, क्योंकि चेसिस जिसका ज्यादा नहीं हिट होता, उसके एयरबैग वगैरह भी इतने, ये है ना, बिल्कुल गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल, ये कि आपको इंटीरियर पे एक दिरहम भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड से इसका जो है ना वो करने की जरूरत है। वो स्पॉटेज खड़ी हुई है, 39,500 दिरहम है इसकी स्टार्टिंग वेट, 2021 का मॉडल है, और इसका बम्पर डलेगा, साइड फैंडल सीधा हो जाएगा, ठीक है, और इसका चेसिस वगैरह कहीं से डैमेज नहीं लग रहा, बम्पर ही है, एयरबैग भी नहीं ओपन, इंटीरियर सारा बिल्कुल साफ सुथरा इंटीरियर है इसका, तो एयरबैग इसके नहीं ओपन, इसका मतलब ये एक अच्छी डील है, ये जो है ना बहुत अच्छी एक डील हो सकती है, क्योंकि ये न्यू डलने की जरूरत नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगा। तो ये है रेंज रोवर, 25,000 दिरहम इसकी स्टार्टिंग बिड है, 2014 मॉडल की रेंज रोवर। अच्छा, फ्रंट इसका चेसिस थोड़ी सी टूटी हो, देखें। अच्छा यार, ये ना देखने में लग रही है कि बहुत ज़्यादा डैमेज है कुछ कार्स ना, इतनी है नहीं, लेकिन क्योंकि उसके वो बम्पर वगैरह आगे मिसिंग है ना, तो इसलिए वैसे लग रहा है कि जिस तरह काफ़ी ज़्यादा डैमेज गाड़ियाँ इस तरह की ना, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लाइक ऑप्शन हैं, यहाँ पे बहुत सारे। अच्छा, ये मतलब उनमें से चंद एक ऑप्शन, ये सिर्फ एक ऑप्शन, ये सिर्फ एक ऑप्शन में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन। खुशबू आ रही है प्रॉपर्ली सर, बिल्कुल ऐसा है। और ये मतलब रीजन है कि यहाँ पे जो अमेरिकन गाड़ियाँ ना दुबई में थोड़ी चीप मिलती हैं, रीजन ये है कि वो इस तरह एक्सीडेंट होती हैं, लोग यहाँ रिपेयर करके सेल करते हैं। सर ये देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिग्गी चेंज है और बम्पर है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, देख रहे हो, और ये डिग्गी भी खुद काटी हुई है, पर्पजली लग रही है, देख रहे हो,
तो ये इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग ये गाड़ी जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ BMW खड़ी हुई है 530i 89,000 की, इसका इंटीरियर 2022। ओए यार क्या खूबसूरत इंटीरियर है भाईजान। सर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, हुंडई जो टूसो है अपने वहाँ पे पुराने मॉडल दे रहे हैं और इतनी महंगी दे रहे हैं, यहाँ पे सर नया मॉडल क्रैश होकर खड़ा है ऑलरेडी। मतलब नया मॉडल आगे लोगों ने यूज करके फेंक भी दिया है। सर फेंक भी दिया है। 2023 मॉडल है, 49,500 दिरहम इसकी है स्टार्टिंग बिड, ठीक है। और आगे से जो है ना थोड़ी सी लगी हुई है, दैट्स इट। क्या बात है। इसकी देखता हूँ, इसे बैक डैमेज तो नहीं है, एयरबैग खुला हुआ है। ओके। और साइड वाले एक सीट का भी एयरबैग ओपन है। सर लिटरली इसमें इतना मिनिमम डैमेज है ना कि बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि आगे से भी कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा है इसलिए इनके एयरबैग वगैरह खुल जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आप ये गाड़ियाँ सारी चेक कर रहे हैं, जी जी, एक जनरली बताएं कि आप गाड़ी को किस तरह देखते हैं कि ये गाड़ी किस हालत में वहाँ से निकली थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये परचेज किया यहाँ से, रिपेयर करके सेल किया, मैंने कहा यार नहीं ये तो था ही कुछ नहीं, इसमें तो मैंने सिर्फ लाइट डाली है। तो आपने कंफर्म करना हो तो यहाँ पे इसका चेसिस नंबर होता है, गूगल के ऊपर अपने एज इट इज़ ये चेसिस नंबर सिर्फ गूगल के ऊपर राइट कर देना, आपको इसकी ओरिजिनल वर्थ जो है ना क्या किस कंडीशन, एवरीथिंग सर, ये कहाँ से कैसे निकली सब बता, किस कंडीशन में आई है, कितने बार एक्सीडेंट हुई, क्या हुआ और कितने में इवन के वहाँ सेल हुई है। अच्छा, ये वैसे वर्ल्ड वाइड ऐसे ही चलता है या सिर्फ दुबई में? ये सर अमेरिकन जो है ना ऑक्शन होती है ना, वो अपना डाटा सारा उस पर डालती हैं ताकि पता हो। ये देखें सर कुछ भी इसमें ऐसा इंजन वगैरह कूलेंट वगैरह फ्लूइड वगैरह सब कुछ इसका सर, वैसे ही है। इतनी सी भी डैमेज होती है ना, इंश्योरेंस उनको नई गाड़ी के पैसे देती है, तो वो पुरानी गाड़ी बदन 5 करोड़ के असल में ये खड़ी है 2023 कैमरे। सर ये कैमरे पाकिस्तानी 5 करोड़। सर ये इतनी मजे की इतनी प्यारी गाड़ी है ना, आपको मैं अंदर से पहले इसको दिखाऊं, पहले जरा साइड चेक करते ना डैमेज क्या है। चलो इसका डैमेज चेक कर लेते हैं पहले। बदन बम्पर है और दो साइड के फेंडर वगैरह। सर ये रिपेयर है पहले इजीली, ठीक है। ये पूरा फेंडर चेंज हो जाएगा नया। ये जो है ना अपने जो पाकिस्तानी यहाँ पे मैकेनिक है ना वो कुछ भी कर लेंगे, आधी कटी भी होगी तो उसको सेट कर देंगे। बहुत हैवी ड्राइव कुछ डैमेज नहीं है बिल्कुल, ये साइड बिल्कुल ये तो पूरा नया थोड़ा सा भी डालना चाहिए तो डाल दें, नीचे वाला पैनल नया ऐड हो, जरूरत ही नहीं है नया डालने की। आप भाईजान इंटीरियर बिल्कुल साफ, कोई एयरबैग नहीं ऊपर। सर इसका इंजन बे देखें जरा, जबरदस्त सीन है। क्या बात है सर, ये इस तरह मिनिमम डैमेज वाली गाड़ियां भी मिल जाती हैं आपको, बहुत अच्छी अच्छी डील, अच्छी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। इसका मतलब है रैम 1500 का लेटेस्ट मॉडल वो खड़ा हुआ है। इसका फ्रंट चेक करें जरा, ओहो क्या मजे की गाड़ी है यार, खूबसूरत यार 41,500। अच्छा ये ना इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 में है, बहुत सारी ऑप्शन है, कहीं पे भी आके आप लोग खरीद सकते हो, स्पेसिफिक ये नहीं कि जिसमें हम आए हैं। और वैसे मेरे एडवाइस ये है कि जिस पे कम रश होगा वहाँ से खरीदोगे तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा रश होगा ज़्यादा बिड करने वाले होंगे, प्राइस ज़्यादा हाई जाएगी। और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्पेयर पार्ट के लिए गाड़ी यूज़ करने के लिए आते हैं, जो स्पेयर पार्ट वाले लेके जाते हैं ना वो एक्चुअल प्राइस से बहुत ऊपर देते हैं, क्योंकि उनको एक एक चीज़ नज़र आ रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर उनको एक लाइट नज़र आ रही होती है, अलग सेल करनी है, डिग्गी अलग दो। मोस्ट मॉडर्न मेरे ख्याल से एक चीज़ है जी जी, कि इसके अंदर जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, पेशेंस मेन चीज़ है। आपने अपना एक माइंड बना लेना है कि यार ये मार्केट वैल्यू उस गाड़ी की क्या है, ठीक है, आपने इसकी मैक्सिमम बिड कितनी देनी है, इस पे रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है और स्पेयर पार्ट कितने का मिल रहा है, ये 3-4 चीज़ें जब आप देख लेंगे ना जी जी, तो आपका डिसीजन बहुत ईजी हो जाएगा, परचेजिंग डिसीजन। अगर आप ये 2-3 चीज़ें पहले नहीं चेक करेंगे तो आपका जो है ना वो फिर आप हो सकता है बड़ी कॉस्टली गाड़ी ले लें, तो ये चीज़ें आपने सिर्फ नोटिस करनी है। अभी चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, पार्ट 1 था तो दूसरे ऑप्शन के लिए दूसरी वीडियो पे आते हैं।